स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। तो आज आपके लिए हम लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पार्ट 19। इसके पहले कि आप सभी पार्ट जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन लाइनर, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं। जल्द ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो कौन सी त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। यदि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो यह तथ्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति की एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया सबसे बेहतर हो सकती है। फिर देखें नेक्स्ट कि कौन सा तत्व तो कक्षा में अधिगम हेतु तो आवश्यक हो सकता है? तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। फिर देखें नेक्स्ट कि परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं? वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो क्या है इसका सैद्धांतिक आधार? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है इसके सैद्धांतिक आधार। फिर देखें नेक्स्ट, तो कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो कौन से हैं? अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति एवं प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती हैं, तो ये कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, इस प्रकार से उसकी अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? सापेक्ष है मूल्यांकन का उद्देश्य। फिर मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन है उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता है मूल्यांकन। फिर देखें नेक्स्ट है, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, यह कहा है किसने? टारगर्सन तथा एडम्स ने कहा है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है। फिर देखें नेक्स्ट है, घटना वृत्त प्रपत्र है एनेक्डोटल आलेख है घटना वृत्त प्रपत्र। फिर देखें नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता, यह है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं। फिर देखें नेक्स्ट कि रेल्फ टायलर ने मूल्यांकन को बताया है, तो क्या बताया है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया बताया है रेल्फ टायलर ने मूल्यांकन को। फिर देखें नेक्स्ट, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर बी एस ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन की मुख्य युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो परीक्षाएं निरीक्षण एवं प्रश्नावली हैं मूल्यांकन की मुख्य युक्तियाँ। फिर देखें नेक्स्ट है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है किससे? मूल्यांकन से निर्णय किया जाता है कि कोई वस्तु कैसी है।
फिर अगला है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है क्या? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना है सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन। फिर देखें नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही क्या होती है? अधिकतम होती है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उतनी उसकी वैधता अधिकतम होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। सीखने में होने वाली कमियों के निदान एवं उपचार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर अगला है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। फिर अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है किससे? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से तात्पर्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का। फिर नेक्स्ट है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है क्या? विश्वसनीयता एवं वैधता। विश्वसनीयता एवं वैधता होता है एक प्रमाणीकृत परीक्षण में। फिर अगला है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है इससे मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना और बच्चा क्या सीखता है, ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। और बच्चा क्या सीखता है जानना और बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। ठीक है, तो ये सभी आपके मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, इससे ये जानकारी मिलती है। ठीक है, मूल्यांकन करने से। नेक्स्ट है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। ठीक है, इसलिए अधिक उपयुक्त है मूलक शिक्षा के लिए। फिर देखें नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है कौन सी? निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक। फिर देखें नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उत्तीर्ण करना। उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। फिर देखें नेक्स्ट है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। फिर अगला है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। फिर अगला है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? तो प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों के उत्तर लिखना सृजनात्मकता के विकास करने में सहायक नहीं है। फिर अगला है, मूल्यांकन का अर्थ है क्या? निर्णय करना। निर्णय करना है मूल्यांकन का अर्थ। फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना है मूल्यांकन का उद्देश्य। फिर अगला है, वे प्रश्न जिनके उत्तर है तो हाँ या ना, यस या नो, हाँ या नहीं में से एक का चयन करना होता है, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? उन्हें वस्तुनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर देखें नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि उसका एक ही उत्तर होता है। उसका एक ही उत्तर होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना ही योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों तो लाइक करना है, वीडियो को और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को, और इसके पहले के सभी पार्ट जरूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल में क्रिएट है तो उसमें आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। तो पहले के सभी पार्ट आप जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।